के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की बड़ी घोषणा, अब मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलने जा रही है कमलनाथ सरकार। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज़ चैनल में, मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलने जा रहे हैं, ये होगा नया नाम। तो क्या है पर मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बनाया समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें कि बीते साल शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी कर दिया था। वहीं अब सत्ता में आते ही कांग्रेस ने फिर से इसका नाम बदलने की तैयारी कर ली है। खबर है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार पीईबी को नया नाम अर्थात राज्य कर्मचारी चयन आयोग देने के मूड में है। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने तैयारियां भी कर ली हैं। जल्द ही यह प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया जाएगा और फिर नया नाम परिवर्तित नाम आ जाएगा और किया जाएगा। दरअसल व्यापम घोटाला सामने आने के बाद देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया था। घोटाले में बड़े स्तर पर धांधली और मामले से जुड़े 47 से ज़्यादा लोगों की संदिग्ध मौत के बाद शिवराज सरकार चौतरफा गिर गई थी। आरोप के कई छींटे बीजेपी नेता समेत शिवराज के परिवार पर भी लगे थे। विपक्ष कांग्रेस ने शिवराज के इस्तीफा तक की मांग कर दी थी। इसके बाद दाग धोने के लिए शिवराज सरकार ने व्यापम से इसका नाम बदलकर पीईबी कर दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोटाले में क्लीन चिट भी मिल गई थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आते ही फिर से जाँच कराने की बात कही थी। इसके बाद इसको लेकर बीते दिनों सड़कों से लेकर सदन तक हंगामा भी हुआ था, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया। अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर कांग्रेस इसके नाम बदलने की तैयारी कर रही है। खबर है कि इसका नाम राज्य कर्मचारी चयन आयोग कर दिया जाएगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने फाइलें तैयार कर ली है जो जल्द ही राज्य शासन को भेज दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें 31 सदस्यों की बनेगी कमेटी, 2 विधायक भी होंगे शामिल कमेटी में। दोस्तों आपको बता, खबर है कि इसमें 31 सदस्य होंगे जिसमें ये 14 पदेन सदस्य और 11 मनोनीत और 7 बोर्ड के कार्यकारी सदस्य रहेंगे। पीईबी के आयोग बनने के बाद 2 विधायक भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। कार्यकारी सदस्यों में अध्यक्ष पीएस तकनीकी शिक्षा, वित्त व चिकित्सा विज्ञान, आरजीपी कुलपति और निदेशक व्यापम और तकनीकी शिक्षा होंगे। इसी तरह शासन 11 सदस्यों की मनोनीत करेगी। कुछ अधिकारियों को पदेन व कार्यकारी सदस्य की भूमिका भी निभाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 10 मार्च से लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद ही नाम परिवर्तन और सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। हालांकि प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग प्रमोद अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी न होने की बात कही है। गौरतलब है कि बीते दिनों कमलनाथ सरकार के एक मंत्री ने भी इसके संकेत दिए थे। मध्य प्रदेश के विधि विधायी और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि लोग व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के नाम से डरते हैं, इसलिए इसके स्थान पर नया नाम आना चाहिए। व्यापम एक ऐसा नाम है जो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। इससे पहले भी नाम बदलने का कदम पूर्व की सरकार ने उठाया था जो अब भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुका है। इसलिए कोई ऐसा नाम आ जाए जिससे कोई लोगों को डर नहीं लगे, अभी लोग व्यापम के नाम से डरते हैं। दर्शकों इस प्रकार से नया नाम बदलने जा रही है कमलनाथ सरकार। जैसे कुछ इस पर अपडेट आएगा हम आपको सूचित करेंगे। और ये थी कुछ जानकारी जो हम आपके लिए कराए थे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम बदलने से संबंधित और नए नाम आने पर कुछ विशेष जानकारियाँ। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह के अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।